नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान का बहुत ही अच्छा चैप्टर, जो एग्ज़ाम में हमें एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मदद करेगा। हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को रख के, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही हम छात्रों को लक्ष्य के बहुत करीब ले जाता है। जो छात्र प्रैक्टिस नहीं करते हों वो कंपटीशन से काफ़ी दूर रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा और प्रैक्टिस करिए। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का लागू करने की शक्ति दी गई है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को दे दिया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण और संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण और संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 30। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति प्रदान की गई है? दोस्तों यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर होता है डी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है दोस्तों, क्योंकि ये 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 23 के बीच में है। धर्म का अधिकार भी 25 से है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार हमारा यह मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया, पहले मौलिक अधिकार था, अब यह केवल कानूनी अधिकार है, 19 में था। तो इस तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दे दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन नंबर बी राज नारायण इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन नंबर डी गोलकनाथवाद, नंबर डी सज्जन सिंहवाद। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा नंबर ए केशवानंद भारतीवाद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 31। तो वो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। दोस्तों चलिए आज के लिए 5 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए था समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग वाच के लिए आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसे बने रहिए। प्रत्येक दिन आपको इसे 5 से 10 क्वेश्चन दे दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने ही वाले छात्र लक्ष्य के करीब पढ़ते हैं। आज के लिए चलिए जय हिंद।